ये है एक ऐसा मॉन्स्टर जो अपना मैजिक यूज कर इस मासूम विलेजर को एक मकड़ी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और जंगलों में मिलने वाले खूंखार जानवर से लेकर नेदर में मिलने वाले खूंखार दानव तक, आज हम इन सारे मॉब से मिलने वाले जो माइनक्राफ्ट को अभी ऐड कर देने चाहिए। सो लेट्स बिगिन। अरे भाई, नेदर बहुत खतरनाक जगह है। हर 2-3 सेकंड बाद आपकी जान को खतरा बना ही रहता है। ऊपर से ये नेदर फॉसिल्स, भाई इतनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ ये है किसकी? चलो मैं आपको एक क्रिएचर से मिलवाता हूँ। जरा ये देखो, ये भाई साहब हमारी लावा के अंदर रहते हैं। और मेरे को तो लगता है ये ना स्केलेटन के दादाजी हैं, क्योंकि भाई इन दोनों के पास ही हड्डियों के अलावा कुछ है ही नहीं। और स्केलेटन से याद आया, ये ना विदर स्केलेटन का बहुत ज्यादा बड़ा दुश्मन है। जैसे ही विदर स्केलेटन इसको दिखता है, ये लावा में से कूद कर सीधा विदर स्केलेटन के ऊपर अटैक करना शुरू हो जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये भाई साहब आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, तो चलो इससे तो खतरा नहीं है। लेकिन इन पिगलिंस को कौन समझाए? बचाओ। वैसे आपको तो पता ही है, माइनक्राफ्ट में टोटल 3 शैतान भाई हैं। एक है इलेजर, एक है इवोकर और तीसरा पिलेजर। लेकिन जरा इन दो के चेहरे बड़े ध्यान से देख लो, क्योंकि ये एक ऐसे भाई हैं जो आपकी नाक में दम करके रख देंगे। जैसे हमारे इवोकर अपना मैजिक का यूज कर इन मासूम विलेजर को रेविजर में तब्दील कर देते हैं, ऐसा ही कुछ ये फ्रीकेजर करता है। भाई एक विलेजर को पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसको अपना पोशन पिला देता है। एंड उस पोशन की वजह से इस विलेजर में एक अलग सा ही रिएक्शन शुरू हो जाता है। भाई जरा इसको देखो, हो क्या रहा है, और एकदम से बड़ी मकड़ी बन जाता है। और फिर ये फ्री केजर इस मकड़ी को अपना गुलाम बनाकर दूसरे विलेजर्स पर अटैक करता है। भाई ये मकड़ी देखो अपने जालों से अटैक कर रही है। और इतना ही नहीं, इसमें बैठा जो ये फ्री केजर है, भाई अपनी कुल्हाड़ियां फेंक के मारता है विलेजर्स पर। और भाई इसके सामने ना एक या दो दो गोलम भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पंपकिन स्पॉन कर देता है जो उनके पास जाकर बड़ा धमाका करते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, इसका भाई मैजिक स्पेलर इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि भाई ये हर किसी का सिस्टम हैंग कर देता है। क्योंकि ये पिलेजर्स की फाइनल रेड में आता है और अपने मैजिक से एक ऐसा नकली क्रीपर स्पॉन करता है और उस पर बैठकर ऐसा धमाका करता है कि आसपास सब कुछ हिल जाता है। और भाई आपने मशीन गन तो जरूर देखी होगी, उसमें से कितनी जल्दी बुलेट्स निकलती है। लेकिन ये मैजिक स्पेलर हमारी मशीन गन से बिल्कुल कम नहीं है। ये अपनी बो से इतनी तेज एरो निकालता है जिसको देखकर मैं सच में बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं। भाई इससे फाइट भी कैसे करूंगा मैं? और आखिरी में तबाही मचाने के बाद ये कुछ इस तरीके से हंसता है। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रोऊं, क्योंकि आपको पता ही है पिलेजर्स रेड के टाइम पर रेविजर्स पर बैठ के आते हैं, लेकिन अब से पिलेजर इन क्रोकोडाइल पर बैठ के आएंगे। और ये क्रोकोडाइल क्या चीज है भाई? विलेजर को कच्चा जब आ जाते हैं। भाई सुनो, अगर ये ऐड हो रहे हैं ना माइनक्राफ्ट में, मैं कोई विलेज का हीरो नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं फाइट ही नहीं करूंगा भाई इनसे। आप मेरे को जल्दी से नीचे कमेंट्स में बताओ कि इनको ऐड होना चाहिए या नहीं। माइनक्राफ्ट में बर्ड के नाम पे ये पैरट है, और ये पोपू भाई साहब सिर्फ कुकी खाने से ही मर जाते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? मैं चाहता हूँ कि भाई माइनक्राफ्ट को ना ईगल ऐड कर देनी चाहिए। भाई जरा देखो कितने ही तगड़ी तरीके से उड़ रही है ये चील। और इतना ही नहीं गाइस, आप इस ईगल को अपना दोस्त बना सकते हो। जैसे वुल्फ को दोस्त बनाने के बाद वो हमारी प्रोटेक्शन करता है, भाई ऐसे ये ईगल उड़ते उड़ते हमारे एनिमीज को धूल चटा देगी। और अगर ईगल है तो एक ग्लव भी तो होना चाहिए, जिसके ऊपर आप अपनी ईगल को बिठा कर कहीं पर भी ले जा सकते हो। रंग बदलने वाला गिरगिट शायद से आपने जरूर देखा होगा, लेकिन रंग बदलने वाला ऑक्टोपस देखा है? ये है मिमिक ऑक्टोपस, जो कि कुछ ही सेकंड्स में अपना कलर बदल सकता है। जैसे जरा देखो, ये ग्रास ब्लॉक पे चल रहा है तो ग्रीन कलर का हो चुका है, ये डर्ट ब्लॉक पे चल रहा है तो ब्राउन कलर का हो गया। एंड ये सिर्फ कलर ही नहीं, शेप भी बदलता है। अगर इसके पास कोई एल्डर गार्डियन आ गया तो जरा देखो, भाई इसने अपना फेस एल्डर गार्डियन जैसा बना लिया है। और तो ये पफर फिश को भी नहीं छोड़ता है, अगर पफर फिश इसके पास आ जाती है तो ये पफर फिश जैसा दिखने लग जाता है। एंड सबसे ज्यादा फनी, भाई ये देखो, ये क्रीपर को भी कॉपी कर रहा है। मेरी है। इसका फेस बिल्कुल क्रीपर जैसा हो चुका है, लेकिन टांगे भाई कितना ज्यादा अजीब लग रही है। और पता है, आप ना इसको अपना दोस्त भी बना सकते हो। अगर आप पानी में कहीं पर भी जाओगे तो ये भाई साहब आपके पीछे पीछे आएंगे रंग बदलते हुए। और मिमिक वर्ड से एक और चीज याद आई, ये है हमारी मिमिक क्यूब, जो आई थिंक स्लाइम ब्लॉक की फैमिली से है। सपोज कि आप वुल्फ के ऊपर अटैक कर रहे हो तो वो काट कर आपसे बदला लेगा, लेकिन अगर आप इस मिमिक क्यूब के ऊपर अटैक करोगे तो भाई ये बिल्कुल कॉपी करके सेम वेपन बना लेगी और उसी वेपन से आपकी धुलाई करना स्टार्ट कर देगी। अभी मैं इसको बो एंड एरो से मार रहा हूँ तो ये भी मेरे ऊपर बो एंड एरो का अटैक कर रही है, और अगर मैं इसको ट्राइडेंट फेंक के मारूंगा तो ये भी जवाब में मेरे को ट्राइडेंट मारेगी। तो भाई इससे ना थोड़ा सा बच के रहना।
यार वैसे ना हमारा आधा माइनक्राफ्ट थोड़ा रियलिटी में बेस्ड है, जैसे हमको लकड़ियाँ वकड़ियाँ काट के टूल्स बनाने पड़ते हैं रियल लाइफ में, ऐसे ही हमको माइनक्राफ्ट में भी तो करना पड़ता है। और यार रियल लाइफ की बात करूँ तो रात को ना ये मच्छर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, लेकिन कैसा होगा जब माइनक्राफ्ट के अंदर भी आपको मच्छर देखने को मिले। और जरा देखो यार ये कितना ज्यादा बड़ा है, और इससे दोस्ती की उम्मीद बिल्कुल मत करना क्योंकि आपके ऊपर चिपट कर आपका खून पीने लग जाएगा, और जैसे ही आपका खून पीकर इसका पेट भर जाएगा तो ये आपके ही खून से आपके ऊपर अटैक भी करने लगेगा। और सिर्फ हमारा ही नहीं भाई, ये शीप सोर्स और भी एनिमल्स का खून पी लेता है। एंड जैसे एक मच्छर सिर्फ एक थप्पड़ से मर जाता है, लेकिन इसका उल्टा सीन है भाई, इसको बहुत ज्यादा थप्पड़ मारने पड़ेंगे जब जाके ये मरेगा। माइनक्राफ्ट की एंशियंट सिटी में जाकर शोर मचाना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर एक बारी वार्डन जग गया तो उससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इससे भी बड़ी बेवकूफी होगी इसको छेड़ना। और ये चमगादड़ की फैमिली से है, देखो दीवार पर कैसे उल्टा लटका हुआ है। अगर इसने आपको एक बारी देख लिया तो ये अपने पैरों से इतनी तेज शोर मचाएगा कि आसपास वार्डन स्पॉन हो जाएगा, और फिर आप छुपने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन यार इसको मारना ना बहुत आसान है, सिर्फ दो एरो से आप इसको मार सकते हो, और जो आइटम ये ड्रॉप करता है आप उसे स्कल्क बूमर बना सकते हो। एंड जब भी कोई हस्क या ज़ॉम्बी स्कल्क बूमर के पास में आएंगे तो ये स्कल्क बूमर एक बीम की मदद से इनको डैमेज पहुंचा सकता है। तो भाई मैं तो इसको अपने घर के पास में यूज करने वाला हूँ, अब कोई भी मेरे घर पे ज़ॉम्बी नहीं आने वाला। अगर हम माइनक्राफ्ट के बॉस की बात करें तो हमेशा दिमाग में एंडर ड्रैगन ही तो आता है, लेकिन यार पता है मेरे को ना विदर और वार्डन एंडर ड्रैगन से ज्यादा खतरनाक लगते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है माइनक्राफ्ट की हजारों वीडियो है जिसमें भाई यूट्यूबर एंडर ड्रैगन को पेलते ही रहते हैं। लेकिन अगर अब आप जाओगे एंड डायमेंशन में तो आपको तीन सर वाला एंडर ड्रैगन देखने को मिलेगा। ये अपनी खतरनाक सी बीम से आपको चुटकियों में जली हुई खिचड़ी बना सकता है, और आप यकीन नहीं करोगे ये एंडर ड्रैगन अपने बच्चों को भी भेजता है आपसे लड़ने के लिए। जैसे ज़ॉम्बी के छोटे बच्चे बहुत ज्यादा दिमाग खराब करते हैं, ऐसे भाई एंडर ड्रैगन के बच्चे भी आपकी बैंड बजा देंगे। और इसके तीन सर इतने ज्यादा पावरफुल है कि भाई ड्रिल मशीन की तरह जमीन में गड्ढा करते हुए सीधा आपके ऊपर अटैक कर देगा, जैसे भाई एक बुल आपको हवा में उड़ा देता है, ये भी कुछ ऐसा ही करता है। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि माइनक्राफ्ट को ना इसको ऐड कर देना चाहिए, तभी लगेगा कि एंडर ड्रैगन इस गेम का बॉस है। तो चलो अब ऐसे दो मॉब्स की बात करता हूँ जो जंगल के बहुत खतरनाक शिकारी हैं, क्योंकि बात ऐसी है माइनक्राफ्ट का जंगल बड़ा नॉर्मल सा है, वहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है और आप इजीली वहाँ घूम सकते हो। लेकिन कैसा होगा जब आप जंगल में जाओ और आपका सामना टाइगर से हो जाए जो कुछ ही सेकंड्स में आपके ऊपर अटैक करने वाला है। वेल आपके पास दो ऑप्शन हैं, चुपचाप अपने दबे पैर यहाँ से निकल लो, या दूसरा ऑप्शन इसे भिड़ने की ट्राई कर लो जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। और अगर इससे भी कुछ ज्यादा खतरनाक है तो वो है ये छोटे छोटे तालाब, क्योंकि अब यहाँ पर क्रोकोडाइल्स रहा करते हैं, और ये जानवर इतना ज्यादा खतरनाक है अगर इसने आपको एक बार अपने मुँह में पकड़ लिया तो भाई आपकी हड्डियों का चूरा बना देगा। और भाई इंसान क्या, इसके सामने हर जानवर डरता है क्योंकि भाई ये जानवरों को भी नहीं छोड़ता। लेकिन अगर आपने बहादुरी से इस क्रोकोडाइल को मार दिया तो आपको क्रोकोडाइल्स क्यूट मिलेगा जिसकी मदद से आप आर्मर बना सकते हो, और फिर आप पानी के अंदर बड़ी स्पीड से तैर पाओगे। और तो आप इन रोटन फ्लैश की मदद से इन क्रोकोडाइल्स को ब्रीड भी करवा सकते हो, जिससे आपको एक छोटा सा क्रोकोडाइल एग देंगे, और जब हमारा एग हैच हो जाएगा तो उसमें से एक छोटा सा प्यारा सा क्रोकोडाइल निकलेगा। लेकिन भाई ध्यान रखना, आखिर है तो क्रोकोडाइल ही। नेदर के अंदर हम कुछ ट्राइडर देखने को मिलता है जो कि बड़ा मासूम सा होता है, और आप उसके ऊपर बैठकर मस्त अपना नेदर घूम सकते हो। लेकिन आपको पता है स्ट्राइडर का भाई ओवरवर्ल्ड में रहता है और उसका नाम स्ट्रैडलर है। जरा इसको ध्यान से देखो भाई, इसके सर के ऊपर कितने अजीब से बाल है, और पता है अगर आप इसके ज्यादा करीब जाओगे तो ये अपने बालों में अपने बच्चों को आपके ऊपर फेंक के मारेगा। भाई कितना ज्यादा फनी है। वेल भाई अगर ये ऐड हो जाएगा तो और खेलने में मजा आएगा।